जया सिन्हा, डीडी न्यूज, दिल्ली। और सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वर्ष 1955 में तेलुगु फिल्म रोजुलु माराई के एक गाने से उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की, जो आज भी जारी है। उम्र के इस पड़ाव पर भी वो अपनी जिंदा दिली से अपने प्रशंसकों का दिल जीत रही हैं। देखिए, हमारे साथ है वाहिदा रहमान जी, जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है। वाहिदा जी, सबसे पहले आपका पहला रिएक्शन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार दे रहा है, गुरस्तार फिल्म आपको किस तरह का लगा? पहले तो मैं स्टन हो गई कि अनएक्सपेक्टेड, कि उम्मीद नहीं, कोई काम में बिजी थी तो दिल्ली से फ़ोन आया और ऑनरेबल मिनिस्टर ने कहा, तो पहले तो मैं चुप हो गई कि अचानक ये क्या हो गया। खैर एनीवे, उसके बाद बेहद खुशी हुई, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एंड थैंक यू एवरीबॉडी। इतना लंबे दौर में आप यहाँ पे काम करी, इस वक्त भी आज एक बार फिर जीने की तमन्ना है, उतनी ही सक्रियता के साथ आज भी आप जुड़ी नजर आती हैं अपने फैंस के साथ, इसका क्या सीक्रेट है और क्या कुछ आप करने की है, क्योंकि और ज़्यादा अपने फैंस के साथ कनेक्ट कर सकें? OTT का ज़माना है, सब आपकी आजकल नज़र आ रहे हैं अलग अलग रूप में, आपका भी कुछ ऐसी तैयारी? ये जो लिरिक्स हैं, आज भी जीने की तमन्ना है, आज पर मरने का इरादा है, मेरे ख्याल से हर एक के दिल और दिमाग में ये बात होनी चाहिए। सबको जीने की तमन्ना होना चाहिए। मरने का मतलब ये नहीं कि सचमुच मर जाए, मतलब जो करना चाहते हैं उसके लिए मर मिट के जो भी कामयाबी हासिल करनी है करनी चाहिए। बिल्कुल। तो अब नया क्या, आजकल सब हम देख रहे हैं कि आपके OTT प्लेटफॉर्म्स पे आशा पारेख, आपकी जो गर्ल गैंग है आपका, वो आज नज़र आ रहे हैं अलग अलग अवतार में, आज की जेन एक्स को कंपटीशन दे रहे हैं, आपका भी कुछ ऐसा इरादा है? मेरा इरादा ऐसा कुछ नहीं है, आई जस्ट वांट टू बी हैप्पी एंड कंटेंट व्हिच आई एम।